हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग शिम्पी वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में होगा ये वीडियो जी हाँ मैं लेके आई हूँ गोवा शॉपिंग हॉल वीडियो तो मैंने क्या क्या शॉपिंग किया था गोवा से वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने मेरा पहले वीडियोस नहीं देखा है जो कि गोवा ट्रिप के बारे में है तो लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड डोंट फर्गेट टू शेवर सम लव ऑन दो वीडियोज तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं

तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या शॉप किया अलोंग विथ द प्राइस मैं आपको दिखा तो सबसे पहले मैंने लिया था ये नॉट किया हुआ प्लाजो इसका जो मटेरियल है वो काफी सुंदर है और काफी सॉफ्ट है बहुत ही ज्यादा मुलायम सा है इसका मटेरियल और डिजाइन भी आप देख सकते हो कि कितना सुंदर है बहुत ही सुंदर सा प्रिंट है इसमें और मटेरियल तो आई एम हाईली सैटिस्फाइड तो जैसे कि हर प्लाजो या पैंट में होता है कि कमर की तरफ रबर का बनाया हुआ रहता है तो इसमें ऐसा नहीं है इसमें दो साइड में है ऐसे नॉट और दूसरे साइड में भी इस टाइप के दो नॉट्स बने हैं तो आपको इन दोनों नॉट्स को लगा के पहले सामने से पहनना होगा फिर पीछे से तो ये वाला वीडियो मैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कर दूंगी जहाँ पे आपको दिखने में मिल जाएगा कि कैसे आपको इसको पहनना है इसको पहनना पहले पहले तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा बट एक्चुअली इट्स वेरी इजी आप इसको डेली वेयर के लिए यूज कर सकते हो तो दूसरी चीज जो मैंने खरीदी है वो है ये बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल ड्रेस आप देख सकते हो इस ड्रेस में यहाँ पे बहुत अच्छा थ्रेड वर्क किया गया है और ये स्लीव देख रहे हो कितना प्यारा यहाँ पे नेटवर्क किया हुआ है और इधर भी वही सेम जो कपड़े का था लेस वाला वही वर्क किया हुआ है तो पूरा ड्रेस बहुत ज्यादा सुंदर है इसकी प्रिंट भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रिंट है इसका और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है और नीचे की तरफ भी आपको ये नेट वाला जो वर्क है वो देखने को मिल जाएगा सी थ्रू है कपड़े का जो मटेरियल है वो भी बहुत अच्छा है बहुत कम्फी है यू कैन वेर इट फॉर योर बीच डे तो ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है आप लोग इस वीडियो में देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में इज वेरी गुड फॉर एवरी नेक्स्ट मैंने परचेस किया है काफी सारे क्यूट से बैग्स सो so, ये वाला बैग मैंने खुद के लिए परचेस किया है देख सकते कितना क्यूट है ये बहुत ही अच्छा है ये बैग और इसका शेप मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा इसके साथ आपको एक स्लिंग भी मिलता है इसको आप डिटैच भी कर सकते हो डिटैच करके एज अ हैंड बैग भी आप इसको कैरी कर सकते हो और एज अ स्लिंग बैग भी तो यहाँ पे ये चीज़ है इसको आप ऐसे घुमा के इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो तो ओपन करने के बाद बस एक ही कंपार्टमेंट मिलता है आपको और इसमें ज़्यादा कुछ सामान अटता नहीं है पर हाँ मेरा फोन आ गया था इसमें और कुछ कुछ मेकअप का सामान भी आ गया था तो और क्या चाहिए ट्रैवल के वक्त वही चाहिए होता है दिस इज वेरी क्यूट एंड वेरी एलिगेंट एंड वेरी स्टाइलिश और ये वाला बैग मुझे 700 का मिला है एंड ट्रस्ट मी ये सब बैग्स अगर आप गोवा में जो भी सीजन टाइम होता है उस टाइम पे अगर आप जाओगे ये आपको थाउजेंड के नीचे नहीं मिलेगा काफी सारी बार्गेनिंग करनी पड़ी थी सच बताऊ आई थिंक इट्स वर्थ द मनी नेक्स्ट मैंने एक और बैग लिया देख लो आप कितना क्यूट है ये एक राउंड शेप में है और सेम वही जूट वाला काम किया हुआ है और यहाँ पे एक क्यूट सा सनफ्लावर बनाया हुआ है क्रॉचेट है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है ये भी वही जूट से ही बना है बहुत सुंदर है और इसमें भी स्लिंग है एंड ये डिटैचेबल वाला नहीं है ये टोटली फिक्स्ड किया हुआ है स्लिंग को इस तरह से यहाँ पे और छोटू सा यहाँ पे एक ओपनिंग है ऐसा प्रेस बटन वाला है ऐसा इस तरह से खोल सकते हैं दिस इज वेरी नॉइज एंड वेरी क्यूट बैग एंड आई रियली लव दिस वॉच और इसका प्राइस भी मुझे अराउंड सेवन हंड्रेड ही पड़ रहा है पता नहीं मतलब मैंने तीन बैग एक साथ लिए थे एंड uh, तीनों का मैंने मतलब बार्गेनिंग uh, किया था तो uh, इसलिए मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिला है एंड या दिस इज रियडी वेरी गुड परचेज तो नेक्स्ट मैंने कुछ ड्रीम कैचर्स खरीदे बहुत ही सुंदर है ये ड्रीम कैचर्स ये मैंने अपने खुद के घर के लिए खरीदा है तो यहीं पे मैं कई वॉल्स पे लगा दूंगी और वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज के ड्रीम कैचर्स थे छोटे से लेके बड़े साइज तक एंड सबके प्राइस वेरी करते हैं तो हर एक ड्रीम कैचर मिनिमम फिफ्टी रुपीज से लेके स्टार्ट होता है एंड वो हजार के ऊपर तक चला जाता है नेक्स्ट एक क्यूट फेदरी वेदरी सा जो कि बहुत ही स्वीट है ये वाला मैंने बाबिन के लिए लिया है कितना क्यूट है ये तो सबके लिए मैंने ड्रीम कैचर्स लिए है एज अ गिफ्ट वहां से

तो ये वाला बैग बहुत अच्छा है ये भी मैंने ले लिया एंड इसमें भी वही स्लिंग वाले स्ट्राइप्स मिलते हैं आपको एंड ये वाला भी डिटेचेबल uh, नहीं है कैरी इट इन दिस वे आल्सो हैंड बैग एंड यू कैन आल्सो टेक इट एज ए स्लिंग बैग यहाँ पे आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हो यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है सीट फ्रॉम द बैग एंड दिस इज द फ्रंट बहुत ही सुंदर है सेम वही जूट वाले से बनाया गया है इसको एंड इसकी जो ये ऊपर का जो ये लेदर क्वालिटी ये भी बहुत अच्छा है एंड इसको आप इस तरह से प्रेस करके ऐसे खोल सकते हो तो इसको खोलने के बाद आपको इस तरह से इसको ओपन करना होगा थोड़ी मोड़ी चीज़ें हटने के लिए और अंदर का जो ये मटेरियल है ना ये क्लॉथ बहुत ही अच्छा है बहुत ही सैटनी सिल्क वाला है एंड इसका प्राइस मुझे अराउंड सेवन हंड्रेड ही पड़ रहा है तो विच इज़ अ वेरी गुड डील इतना कम में मुझे इसलिए मिला है क्योंकि ऑफ सीजन था ऑन सीजन जाती ना सीरियसली मुझे नहीं मिलता और ये किसी भी लुक के साथ अच्छा लगेगा चाहे आप साड़ी पहनो या आप कुर्ता पहनो या फिर आप जीन्स पहनो वन पीस पहनो कुछ भी पहनो आप लोग कभी भी गोवा जा रहे हो तो प्लीज़ गो टू तो अंजुना फ्ली मार्केट एंड शॉप योर डिजायर थिंग्स फ्रॉम दियर नेक्स्ट मैंने एक एंकलेट खरीदा है जिसमें बीच में एक इविल आई है और साइड में ये करीज है तो ये बहुत सुंदर लगेगा अगर पैरों में पहनूंगी तो और इसको मैं एज ए ब्रेसलेट भी पहन सकती हूँ किसको पता चलने वाला है कि ये एंकलेट है बहुत ही सुंदर है नेक्स्ट मैंने ये थ्री बीड्स वाले ब्रेसलेट खरीदे हैं एक है स्काई कलर में दूसरा है बेबी पिंक कलर में एंड तीसरा है वाइट पर्ल में तो तीनों ही बहुत क्यूट कॉम्बो है ऐसे अगर आप इनको मिक्स एंड मैच करके अपने हाथों में पहनोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा सी कितना अच्छा लग रहा है कितने क्यूट लग रहा है एंड इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है नेक्स्ट मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए काफी सारे ड्रीम कैचर लिए हैं जो कि बहुत ही क्यूट है एक बेबी येलो कलर में है एक स्काई में है एक ये पिंकिश कलर में है एंड एक रेड और एक को स्काई में लिया है मैंने जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है दिखने में दिस आर ऑल गिफ्ट सो डे थ्री ऑफ गोवा में हम लोग गए थे मरीन एकम में जो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में तो उसके अंदर ही उनका एक खुद का शॉप था जिसपे काफी सारी चीजें मिल रही थी तो वहीं से हमने ये सी शेल्स वाले पैकेट उठाए जिसमें काफी सारे बड़े छोटे सी शेल्स थे तो आप लोग देख सकते हो पैकेट हमने अब तक खोला नहीं है क्योंकि हम लोग घर जाके ही खोलने वाले हैं बहुत डेलीकेट है ये पीसेस तो इसीलिए मैं आपको ऊपर से ही दिखा रही हूँ तो हम लोग घर पे एक लेने वाले हैं तो उसी के लिए हमने ये लिया है मुझे जो सबसे ज्यादा प्यारा लगा वो है ये वाला सी शेल देखो कितना बड़ा है ये और कितना क्यूट इसका प्राइस uh, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट इट वॉज अराउंड फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड सो या और मुझे याद नहीं है ठीक से नेक्स्ट हमने ये छोटू क्यूट ऐसे एक शो पीस लिया है कितना क्यूट है ये दिस इज रियली वेरी वेरी क्यूट एंड एट लास्ट मैंने खरीदी है खुद के लिए ये छोटू सा शो पीस जो कि बहुत क्यूट है ये एक कांच का ऐसा छोटू सा जार बनाया हुआ है ऊपर से ऐसे लगाया हुआ है सील किया हुआ है और इसके अंदर है एक छोटू सा बोट कैन यू सी दैट कितना सुंदर है ये वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स थे बहुत बड़े बड़े थे ऐसे ही सेम रिप्लिका जैसे कि आप इधर देख रहे हो अंदर है मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था लेने का पर क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल आइटम्स होते हैं और हमारा ऑलरेडी इतना कुछ सामान से बैग भरने वाला था और वो मैं कैसे लेके आती वो ज़रूर टूट जाता तो इसीलिए मैं वो नहीं ले पाई इसलिए मैंने छोटू सा उसका एक रेप्लिका ले लिया है अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाती हूँ वहाँ पे तो मैं ज़रूर एक बड़ा सा बोट लेने वाली हूँ वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है ऐसी चीज़ें तो या मेरा एक छोटू सा डेक्स है यहाँ घर पे वहीं पे मैं सोचा है कि इसको लगाने वाली हूँ से तो विद दिस आई एंड माई वीडियो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखे अच्छा लगा हो आप लोग अगर कभी भी गोवा जाते हो शॉपिंग जरूर करना बैग खाली ही लेके जाना और उसे भर के ले आना और वहां जाके बार्गेनिंग करना तो बिल्कुल मत भूलना अच्छी खासी बार्गेनिंग करना आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड मेरे आगे की वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय